अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू यूट्यूब चैनल मोहम्मद इस्माइल पिजन्स। तो फ्रेंड अभी मैं कबूतर को दाना दे रहा था, रोटी वगैरह दे रहा था। कबूतर आप देख सकते हैं, मेरे कबूतर हाथ पे भी काफ़ी ज़्यादा दाना वगैरह खाते हैं। तो दाना देते वक्त मैंने जो था आप दोस्तों के साथ जो काफ़ी जो दोस्तों कमेंट्स बारे पे इस पर मैंने आप वीडियो दोस्तों के साथ शेयर कर दूँ। क्योंकि अभी दाना दे रहा हूँ, दाना कौन सा दे रहा हूँ वो भी आपको दिखा दूँ। मैं सिर्फ कबूतर रोटी दे रहा हूँ अभी, क्योंकि मिक्स दाना भी देता हूँ, रोटी भी देता हूँ। क्योंकि कबूतर में ज़्यादातर अभी गले का मसले आ रहे हैं, तो इसमें मैं काफ़ी रोटी कबूतर को देता हूँ। क्योंकि मेरे जो शागिर्द है आप देख सकते हैं, कबूतर काफ़ी ये बच्चे हैं जो काफ़ी है कबूतर में रोटी वगैरह तोड़ के दे रहे हैं। आप देख सकते हैं बच्चे रोटी दे रहे हैं कबूतरों को। तो आज का ये टॉपिक है कबूतर एक साल में कितनी दफ़ा ब्रीड वगैरह करता है। तो इसी टॉपिक है आज मैं आपको डिटेल से इंशाल्लाह वाजे करके बताऊँगा कि कबूतर एक साल में कितनी दफ़ा ब्रीड करता है। तो ब्रेड ये कबूतरों के तीन चार किस्म होते हैं कबूतरों के। एक तो होते हैं तेज़ तरीन ब्लेड वाले, एक तो होते उसके हल्के ब्लेड वाले, एक तो होते सिर्फ गुटर के, एक तो होते हैं कबूतर जो खाने में फीमेल से सिर्फ मेटिंग वगैरह करते हैं। तो एक साल में एक एक काफ़ी कबूतर ऐसे होते हैं दो ब्रेड जो मेटिंग करते हैं, दो भी एक साल में दो ही मरतबा ब्रीड करते हैं। एक तो कबूतर होते हैं चार दफ़ा करते हैं, एक तो होते छः, एक तो होते सात मरतबा भी करते हैं ब्रीडिंग। ये तेज़ ब्लेड वाले कबूतर जो काफ़ी ज़्यादा तेज़ होते हैं कबूतर, अंडे उतारने के बाद जो कबूतर जब ये 18 या 20 दिन के बाद ये अंडे अंडों में से बच्चे निकलते हैं, तो 10 दिन के बाद वो दोबारा से मीटिंग करना शुरू कर देते हैं वो। और 15-16 दिन के या 18 दिन के बच्चे होंगे तो दोबारा से वो अंडे वापस रख देगी। तो दूसरे महीने में इंशाल्लाह वो दो महीने 20 दिन में दूसरे बच्चे भी निकाल देगी। इस तरीके से 5 या 6 जो कबूतर एक साल में 5 या 6 मरतबा कबूतर ब्रीडिंग करता है, मेटिंग करके ब्रीडिंग करता है। तो आपको ऐसा करना है, कबूतर को आप लगातार ब्रीडिंग वगैरह लेते हो तो आपको ऐसा करना है कबूतरों को तो सेहत का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है। क्योंकि हर चीज़ का आपको वाजे से कि कबूतरों का ख्याल रखना है। क्योंकि पानी भी आपको फ्रेश देना है दाने वक्त। आप देख सकते हैं मेरा पानी उसी टाइम से दाना दे के कबूतरों को पानी देता हूँ, तो काफ़ी सारे कबूतर खाना खा लेते हैं। मैं कबूतरों को देखता था किसी ने पानी नहीं पिया तो उसको मैं ज़बरदस्ती पानी पिला देता हूँ। अगर पानी कबूतर नहीं पिएगा तो उसका पोट जाम हो जाएगा, उसको बीमारी में चला जाएगा। जो आपको कबूतर का लोफ्ट भी अच्छी तरीके से कबूतरों को लोफ्ट हो अच्छी तरीके से आपको साफ़ रखना है। और कबूतरों को पूरा टाइम दे के आपको कबूतरों को जो कैल्शियम की कमी ना आए वो मिक्स दाना दे, एवियन की गोली जो है वो दे। तो काफ़ी कम कबूतरों के जो मसले होते हैं मसाइल होते हैं वो कबूतरों में आ जाया करते हैं। क्योंकि कबूतर काफ़ी ज़्यादा होते हैं तो कबूतर आपको संभाल करने में काफ़ी जो परेशान होते हैं। मेरे तीन लोफ्ट है क्योंकि तीनों के तीनों मैं अच्छी तरीके से संभाल करता हूँ। क्योंकि काम से काम के सीधे बाहर चलाती हूँ, वापसी आता कबूतर देखता हूँ कि थोड़ा सा ढीला कबूतर होता है तो उसको मैं एक्टिव उसी वक्त में ट्रीटमेंट करना शुरू करता हूँ। अगर उसमें ट्रीटमेंट थोड़ी सी देर होगी तो कबूतर वो कमज़ोर हो जाएगा, तो वो कबूतर की बीमारी और चला जाएगा, तो उसमें कैल्शियम कमी हो जाती है। तो बीमारी में होते वक्त कबूतर काफ़ी कमज़ोर हो जाता है, उसमें कैल्शियम कमी हो जाती है। काफ़ी दोस्त कहते हैं कि मेरे कबूतर ब्रीडिंग के लिए अंडे नहीं रख रहा है। क्योंकि इसी वजह टॉपिक है मैं जो कबूतरों का ये नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह वो बनाऊंगा, कबूतर अंडों से बंद फीमेल है जो अंडे वगैरह नहीं देती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो उस भी बनाऊंगा। काफ़ी दोस्तों में कमेंट्स भी आ रहे थे तो उसमें कमेंट्स भी शो कर दोस्तों में करूँगा। जिसने कमेंट किए थे उसमें इंशाल्लाह वो कमेंट्स भी शो करूँगा उसका। अभी मैं वीडियो वो बना लूँ मगर वो मेरे पास चीज़ें वगैरह नहीं है, वो चीज़ें सारी इकट्ठी करके मैं आप दोस्तों के मुकम्मल डिटेल समझाऊंगा। तो आज का यही टॉपिक है कि कबूतर एक साल में कितनी दफ़ा ब्रीड करता है। तो पाँच या छः मरतबा ब्रीड करता है अंडे, पाँच या छः मरतबा अंडे देता है। एक तो कबूतर तीन दफ़ा देते हैं, चार पाँच या ज़्यादा छः दफ़ा, इससे ज़्यादा कबूतर साल में अंडे वगैरह नहीं रखे, ब्रीडिंग वगैरह नहीं करेगा। काफ़ी दोस्त कहते हैं 7 बार 8 बार, वो मेरा कहीं मानना नहीं है कि कबूतर एक एक दो ऐसे कबूतर होते हैं जो काफ़ी कबूतर के दरबे से बाहर निकल के उड़ना शुरू होता है उसके बाद ही अंडे रखते हैं। एक कबूतर वो होते हैं जो 10 या 12 या 15 दिन के होते हैं बच्चे दोबारा से अंडे रखना शुरू कर देते हैं। कबूतरों की काफ़ी ज़्यादा क्वालिटी होती है, काफ़ी ज़्यादा पालने का तरीका अलग अलग कबूतरों का। एक काफ़ी दोस्त कहते हैं मेरी कबूतरी ने एक अंडा दिया है, तो घबरा नहीं है नेक्स्ट टाइम वो दो ही अंडे रखेगी। काफ़ी दोस्त कहते हैं मेरे का फीमेल का जो एक जोड़ा है उसने 4 अंडे रखे हैं, तो वो मैं उनसे कहूँगा वो आप बहुत खुशी की बात है क्योंकि वो आपके पास जो जोड़ा है वो दोनों ही फीमेल है। अब ऐसा करो मार्केट से दो मेल लेके आओ और दोनों जोड़ों के साथ लगा दो, अलग अलग डब्बे में बंद करके उनको जोड़ा लगाओ
वो जल्दी ही अंडे रख देंगे, क्योंकि एक मरतबा अंडे रखने से कबूतरी जो वो अंडे आपको ज़ाया कर देनी है और जोड़ा लगा देना है उसके, इंशाल्लाह वो कबूतर जो अंडे दोबारा देगा वो जल्दी देगा, क्योंकि कबूतरी फीमेल अंडों में भी आ चुकी है तो वो जल्दी अंडे देगा मीटिंग करके। तो काफ़ी दोस्तों के कुछ डाउट है, कुछ बात मुझसे रह भी जाती है, तो इंशाल्लाह वो दूसरी वीडियो में बताऊंगा। अगर इसमें कोई बात रह गई तो कमेंट्स करके आप पूछ सकते हैं, बेहिचक कोई बात आपके समझ में ना आए तो भी आप कमेंट्स करके पूछ सकती है। तो कबूतर की ब्रीडिंग सिस्टम है वहाँ मैं आपको डिटेल दे दिया, इंशाल्लाह आपको समझ आए कबूतर जो एक साल में ब्रीड, काफ़ी दोस्त का कमेंट करे एक साल में कबूतर कितनी दफ़ा ब्रीड वगैरह करता है, क्योंकि एक साल में आपको उसकी कैल्शियम की कमी नहीं होनी देनी है आपको कबूतर की। आप देख सकते हैं मेरे कबूतर यहाँ पर रोटी भी खा रहे हैं, वहाँ पर थोड़ी मिट्टी वगैरह रखी है वो भी खा रहे हैं, जो ईंट का चूरा होता है, कोयले का चूरा होता है और अंडे के जो छिलके होते हैं उसमें मैं मिक्स करके रख देता हूँ, तो कबूतर वो खुशी से खाते हैं। आप देख सकते हैं वो वहाँ पर मिट्टी वगैरह ये चीज़ खा रहे हैं, क्योंकि ये खाने से कबूतर को हाजमा सेट होगा, उसमें कबूतर में कभी कैल्शियम की कमी नहीं आएगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम में जो कबूतर जो अंडों से फीमेल कबूतर बंद फीमेल बंद है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। आज का ये टॉपिक है, उसके लिए थोड़ा सा सामान रह गया, तो इंशाल्लाह सुबह तक वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम वीडियो आ जाएगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कमेंट्स करके बताना ये वीडियो आपको कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो के इजाज़त चाहते हैं, तब तक के लिए इजाज़त देना, खुदा हाफिज़।